Hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. And like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end. 10 ऐसे एथलीट जो कि सबसे ज्यादा वेतन प्राप्त करते हैं, आइए जानते हैं वो कौन से हैं। नंबर 10, केविन ड्यूरेंट को गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने 3 साल के लिए गोल्डन स्टेट वॉरियर्स में शामिल कर लिया था। बाद में वॉरियर्स में शामिल हो गए केविन ड्यूरेंट को 2019 में 4 साल के $164 मिलियन के साथ ब्रुकलिन नेट्स में शामिल किया गया था। केविन ड्यूरेंट को फरवरी में ब्रुकलिन नेट्स से फीनिक्स सन से भारी रकम देकर खरीद लिया गया, जिससे उनका एनुअल सैलरी $44.1 मिलियन समझ गया हो गया है। केविन ड्यूरेंट को $45 मिलियन ब्रांड एंडोर्समेंट से मिलता है। सबसे अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी को हाल ही में नाइके के साथ लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर अपग्रेड किया गया है। वो एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। नंबर 9, टेनिस के भगवान कहे जाने वाले रोजर फेडरर ने सितंबर में टेनिस से संन्यास की घोषणा की और लेवर कप में राफेल नडाल के साथ एक फाइनल मैच खेलने के बाद उन्होंने अपना रैकेट बैग को बंद कर दिया था, जिस अंतर्राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट को उन्होंने 2017 में जीत दिलाने में मदद की थी। 2020 में उन्हें पहली बार दुनिया का सबसे अधिक राशि पाने वाला एथलीट थे। वो 2023 में 9वें नंबर पर है। उनको क्या बोला तूने? सालाना 1.5 मिलियन की वेतन मिलती है। वह ज्यादातर पैसा ब्रांड एंडोर्समेंट से लेते हैं, जो है $93.6 मिलियन। उन्हें साल 2018 में सबसे बड़ा सौदा मिला, जो जापानी ब्रांड यूनिक्लो का था, जिसने उन्हें 10 साल के लिए $300 मिलियन की राशि प्रदान किया। नंबर 8, हमारी सूची में ये भी नाम बास्केटबॉल खिलाड़ी का है। क्या बात है सर। स्टीफन करी 2017 में एनबीए के पहले 200 मिलियन पाने वाले व्यक्ति बने थे। फिर दोबारा उन्हें 2021 में 4 साल के लिए $215 मिलियन देकर फिर से खरीद लिया गया। वो ऐसे 200 करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पिछले जून में अपनी चौथी एनबीए चैंपियनशिप जीतने के बाद स्टीफन करी ने अपने पहले वर्ष में $100 मिलियन के साथ 8वां स्थान हासिल किया है। उनका 48.4 मिलियन वेतन इस सीजन में एनबीए का सबसे अधिक वेतन है और वह 2023 और 2024 में एनबीए लीग के पहले 50 मिलियन पाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे और वह ब्रांड एंडोर्समेंट से $52 मिलियन की मुआवजा भी लेते हैं। नंबर 7, मिकेलसन फिल, जो एक गोल्फ प्लेयर है। मिकेलसन ने 2021 में पीजीए चैंपियनशिप जीती थी। 50 साल की उम्र में गोल्फ इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र वाले विजेता बन गए थे, जिन्होंने पिछले साल अपने करियर में $1 बिलियन की नेटवर्थ को पार कर लिया था। मिकेलसन फिल गोल्फ में शामिल होने के बाद से स्पॉन्सर्स करना छोड़ दिया है। इनकी सालाना क्या बात है सर। सैलरी $2 मिलियन है और $104 मिलियन ये आपका ब्रांड एंडोर्समेंट से कमा लेते हैं, जिनसे इनकी कमाई $106 हो जाती है, जो हमारे लिस्ट में 7वां स्थान प्राप्त करते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 6, हमारी लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो भी गोल्फ प्लेयर का है, डस्टिन जॉनसन। पिछले वर्ष मई में लिव गोल्फ वाले पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने 2023 में टॉप 10 सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों की सूची में भी जगह बनाई है। $102 मिलियन की भुगतान के साथ उन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया है। वह ब्रांड एंडोर्समेंट से $5 मिलियन कमा लेते हैं। डस्टिन जॉनसन ने 2020 में फेडेक्स कप और उसके साथ $15 मिलियन का पुरस्कार भी जीता था। उन्होंने मास्टर्स में जीत के साथ अपना दूसरा प्रमुख खिताब जीता। वह एक शानदार प्लेयर भी है। नंबर 5, बॉक्सिंग चैंपियन हर बार लड़ने पर लाखों डॉलर कमा सकता है। हम बात कर रहे हैं पिछले 12 महीनों में दिमित्री बिवोल और गेनाडी गोलोवकिन के खिलाफ ब्लॉकबस्टर फाइट में बड़े स्कोर बनाने वाले कैनेलो अल्वारेस की, जो सालाना $100 मिलियन का वेतन प्राप्त करते हैं। $10 मिलियन वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमा लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि बॉक्सिंग में कितना खतरा बना रहता है। इनको सालाना 110 मिलियन का वेतन दिया जाता है। आपको बॉक्सिंग कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, बास्केटबॉल का ये दिग्गज पिछले साल ही में अरबपति बनने वाला पहला एथलीट बन गया। क्या बात है?
गया। लेब्रोन जेम्स को लॉस एंजल्स लेकर्स एक अच्छा खासा रकम देती है। उनको वेतन के रूप में 44.5 मिलियन डॉलर्स दिया जाता है और लेब्रोन जेम्स ब्रांड एंडोर्समेंट से 75 मिलियन डॉलर्स कमा लेते हैं, जिनसे उनको 119.5 मिलियन डॉलर्स मिलता है। लेब्रोन जेम्स फैमिली फाउंडेशन ने 2018 में अपना पहला प्राथमिक विद्यालय खोला और बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए 40 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किया है। लेब्रोन जेम्स ने 4 बार NBA चैंपियन जीता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 3, एक फुटबॉल प्लेयर होने के नाते इनको भी अच्छा खासा भुगतान मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ किलियन एम्बाप्पे, क्योंकि हमारे तीसरे सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले व्यक्ति हैं। वो केवल 24 साल की उम्र में सबसे अधिक प्रेजेंट सैलरी 100 मिलियन डॉलर क्या बोला तूने डॉलर कमा लेते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से 20 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं, जिससे वो सबसे कम एज में अधिक पेमेंट पाने वाला फुटबॉल खिलाड़ी बन जाता है। उन्हें एक अच्छा प्लेयर भी माना जाता है। मेसी और रोनाल्डो के बाद यही फ्यूचर का बेस्ट प्लेयर बनेगा। किलियन एम्बाप्पे फीफा विश्व कप में भी बहुत अच्छा खेला है। नंबर 2, इस सूची में दूसरा नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की दुनिया में भगवान कहे जाने वाले लियोनेल मेसी को। आज भला कौन नहीं जानता। इस साल वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने ये साबित कर दिया कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को जीता के ये साबित कर दिया कि वो फुटबॉल के भगवान है। लियोनेल मेसी को इंटर मियामी ने बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लिया है। मेसी को इंटर मियामी से अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है। मेसी सालाना कम से कम 130 मिलियन डॉलर कमाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अगर आपको लियोनेल मेसी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में भी लिखें कि आपको लियोनेल मेसी कैसा लगता है और दोस्तों लाइक करना ना भूले। लियोनेल मेसी पेरिस जर्मेन से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और मैदान के अंदर और बाहर अच्छी कमाई कर लेते हैं। वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छा खासा लेते हैं। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल की दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ प्लेयर माना जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन कौन पसंद करता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुर्तगाली फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 136 मिलियन डॉलर की एनुअल इनकम के साथ दुनिया के सबसे अधिक कमाई पाने वाले एथलीट हैं। जनवरी में सऊदी अरब के अल नासर में शामिल होने के लिए रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया। रोनाल्डो को टीम छोड़ने के बाद उनका पैसा 75 मिलियन डॉलर बढ़ गया है। रोनाल्डो 90 मिलियन डॉलर अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते हैं। वह 136 मिलियन डॉलर पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी के लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे प्लेयर है, आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।